जिसको जितना मिला है उससे कुछ ज्यादा कियास लेकर दरबार जाता है। भिखारी सब है, कोई मंदिर के बाहर भीख मांगता है, कोई मंदिर के अंदर भीख मांगता है, लेकिन मांगने सब लोग आते हैं दरबार में। और मेरे ख्याल से यहाँ भी जितने लोग बैठे हैं सबके दिल में कोई ना कोई आस मुराद जरूर होगी। सब कुछ होने के बावजूद भी माता रानी की कृपा से इस घर में किसी चीज की कमी नहीं है, फिर भी माँ की जोत जगा कर कुछ मांगने बैठे हैं, कुछ लेने बैठे हैं। तो किसी से कुछ लेना इतना आसान नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। उनको खुश करना होता है और तभी कुछ मिलने की आस होती है। एक बार कई सच्चे दरबार की कवि की कल्पना, जहां ना पहुंचे रवि कहा जाता है वहां पहुंचे कवि। बड़ा प्यारा सा भजन मैं सुना रहा हूं आपके बीच। कवि कह रहा है कि माँ मुझे क्या चाहिए। एक बार मैंने बचपन में पढ़ा था एक बुक में, किसी ने भगवान से वरदान मांग लिया कि मैं जिस चीज को छू लूं वो सोना हो जाए। काफी प्रचलित कहानी है, स्टोरी है। तो वो भोजन को भी छू रहा था, वो सोना हो जा रहा था। लास्ट में जब वो उसने अपनी सबसे चहेती बेटी को जब छुआ तो वो भी सोना हो गई। तो भगवान से क्या मांगा, दो लाइन में अपनी जिंदगी की सारी खुशियां मांगता है। देखिएगा इस भजन में क्या कह रहा है। जो चीज मांगू मैं तुमसे मैया, वो चीज मुझको जरूर देना। शब्दों को सुनिएगा और अगर दिल को छू जाए तो तालियों का आशीर्वाद दीजिए। ओ मेरी माँ, जो चीज मांगू मैं तुमसे मैया, वो चीज मुझको जरूर देना। मिले जमाने की सारी खुशियां, मगर न मुझको गुरूर देना। न देना चाहे कुबेर का धन, मगर सलीका सहूर देना। उठा के सर जी सकूं जहां में, बस इतनी इज्जत जरूर देना। जिसके लिए, जिसके सामने दुनिया की सारी दौलत बेकार है, अगर सम्मान नहीं है, इज्जत नहीं है, तो ऐसा लगता है कि सारा संसार में जितने भी हमारा दौलत है, बैंक बैलेंस सब बर्बाद। और थोड़ी सी इज्जत अगर है, बाजार में निकले लोग चार लोग मिल गए बिठाने उठाने वाले, इसी से लगता है हमारा जीवन सफल है। आइए कवि क्या कह रहा है। जो चीज मांगो मैं तुमसे मैया, वो चीज मुझको जरूर देना। जो चीज मांगो मैं तुमसे मैया, वो चीज मुझको जरूर देना। मिले जमाने की सारी खुशियां, मगर न मुझको गुरूर देना। मिले जमाने की सारी खुशियां, मगर न मुझको गुरूर देना। न देना चाहे कुबेर का धन, मगर सलीका सहूर देना। न देना चाहे कुबेर का धन, मगर सलीका सहूर देना। उठा के सर जी सकूं जहां में, बस इतनी इज्जत जरूर देना। उठा के सर जी सकूं जहां में, बस इतनी इज्जत जरूर देना। उठा के सर जी सकूं जहां में, बस इतनी इज्जत जरूर देना। उठा के सर जी सकूं जहां में, बस इतनी इज्जत जरूर देना। एक बार हाजरी इस दरबार में लगाइए, हाथों को उठाकर जैसे स्कूल में लगाया करते थे। आत्मसमर्पण, समर्पण एक हाथ से होता है और आत्मसमर्पण दोनों हाथ से होता है। जरा हाथों को तालियों की आवाज के साथ, एक दो तीन चार।
औकात जितनी है मांगता हूँ, मैं मांगता नहीं, मकान जायदाद बेटा जॉब बड़ी न मांगू मैं चीज तुमसे, औकात जितनी है मांगता हूँ। क्या जो घाव दुख ने दिए हैं दिल पर वो सुख की मरहम जरूर देना, जो घाव दुख ने दिए हैं दिल पर वो सुख की मरहम जरूर देना, न देना चाहे तुम कुबेर का धन मगर सली का सहूर देना, न देना चाहे कुबेर का धन मगर सली का सहूर देना, उठा के सर जी सकूं जहां में बस इतनी इज्जत जरूर देना, नजर ना आए कहीं बुराई। एक शेर कहा है कवि ने कि ऐ मां मेरी आंखों में वो तासीर हो जाए, मेरी आंखों में वो तासीर हो जाए, जिस पे भी नजर डालूं वो तेरी तस्वीर हो जाए। बोलिए सच्चे दरबार की। ना पैर कोई ना कोई नफरत नजर ना आए कहीं बुराए, जिधर भी देखूं तू दे दिखाई, जिधर भी देखूं तू दे दिखाई, मेरी नजर को वो नूर देना, इधर भी देखूं तू दे दिखाई, मेरी नजर को वो नूर देना, न देना चाहे तुम कुबेर का धन मकर सली का सहूर देना, इतनी इज्जत जरूर देना, उठा के सर जी सकूं जहां में बस इतनी इज्जत जरूर देना, उठा के सर जी सकूं जहां में बस इतनी इज्जत जरूर देना, उठा के सर जी सकूं जहां में बस इतनी इज्जत मां जरूर देना। सच्चाई तो यही है कि ये मोती जीवन के बिखर गए होते और ना जाने हम किधर गए होते, अगर तेरा सहारा ना मिलता माँ अम्बे तो सच में ना जाने हम कब के मर गए होते। इस छोटी सी जिंदगी में मैंने इस माँ के दरबार की थोड़ी सी सेवादारी जो की है उसका जो परिणाम मुझे मिला है, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इस जन्म में माँ ने मुझे अपने चरणों में लिया है और उनकी अपनी सेवा करने का जो मौका दिया है। मैं हर जन्म में इस जन्म के मुकाबले में
अपनी जिंदगी मांगता हूँ इस प्यारे से सच्चे दरबार में। फिर से माँ मेरी जिंदगी में अपनी छाया बनाए रखना। एक बार कहिए सच्चे दरबार की।